पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि करनाल पुलिस द्वारा बेवजह सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही कई वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। डीएसपी राजीव कुमार ने चेकिंग नाकों पर मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं जिला पुलिस द्वारा भी आज विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। गौरतलब है कि पूरे करनाल में बहुत ही ज्यादा सख्ती की जा रही है और जो पीछे प्रशासन की ओर से पास बनाए गए थे वह सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि हमारी टीम द्वारा जब शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया तो पुलिस विभिन्न नाकों पर मुस्तैद दिखाई दी। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए। डीएसपी राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए लोगों को कहा कि यह कोरोना नामक महामारी एक चैन के रूप में फैलती है, इसलिए हमें बेवजह सड़कों पर नहीं आना चाहिए और अपने व अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए घरों में ही रहना चाहिए। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो जिस लॉकडाउन में पब्लिक बाहर नहीं आ पा रही है तो आप ग्राउंड से रिपोर्ट करके उनको घर पर बैठ के न्यूज़ जो है बता रहे हैं कि स्थिति कैसी है। और लोगों से अपील, एक ही अपील है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है, इस महामारी की चेन को ब्रेक करने का और सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को घर में लॉकडाउन करना। तो उन दो चीज़ों का पालन करें, यही निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के भी निवेदन रहेगा और वैसे भी कानून भी इसी चीज़ की इजाज़त अभी आपको देता है, आप लॉकडाउन ही रहेंगे। शुरू से ही है जो एसेंशियल कमोडिटी को छोड़ के और जो पार्ट है वो कोई भी रोड पर जो है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। कल रात डीसी साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, कल एसपी साहब भी खुद सड़कों पर निकल के इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे। जब इतने बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक परिवार की नहीं लगभग 3 लाख परिवारों की जिम्मेवारी है, करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, और वो बखूबी अपना कार्य निभा रहे हैं। हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, पुलिस प्रशासन लगातार, हमारा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी सब इस व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने में और करनाल वासियों को दिक्कत ना हो उस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। और लोगों से फिर यही अपील रहेगी, और ये जो लोग आपको बाहर दिख रहे हैं ये बहुत कम कंटेंट है, 2% के करीब है, 98% लोग जो हैं उनका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि वो अपने घर में हैं, उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देम। उनका बड़े दिल से धन्यवाद है कि वो एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं और हर चीज़ में का पालन कर रहे हैं। जो 2% लोग हैं तो उनको ये नसीहत भी है कि अपने घर के अंदर रहिए, यदि अभी आप इसको लाइटली ले रहे हैं, उनका ये जो देखने में आया जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको ये लग रहा है कि ये बीमारी उनको हो नहीं सकती, बट अगर ये हो गई तो उनका, उनके परिवार का, जैसे आप गांव का ही आपने जिक्र किया है, गांव में एक व्यक्ति को होती है तो पूरा गांव सील करना पड़ता है, हम सारी रात उस गांव को सील करते हैं, मेडिकल टीम जो हमारी है, डॉक्टर स्क्रीनिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, ये एक केस पॉजिटिव आने के बाद की प्रक्रिया है। यदि आपकी लोकेलिटी में कोई केस पॉजिटिव कर दिया है, पॉजिटिव हो गया है, तो उस पूरे एरिया को सील करने के बाद आप बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। भला इसी में है कि आप इस बीमारी से बचें और ये संक्रमण, इसको फैलने से रोकने के लिए जो आपका सहयोग बन पड़ता है आप करिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करिए और एक जिम्मेवार नागरिक का परिचय दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.